Hey guys, ISAF यानी कि Interesting Stories and Facts में स्वागत है आपका. Facts wherever you see. मैं हूं आपका होस्ट और नरेटर गुनूर टूर और आप देखने जा रहे हैं डार्क हॉर्स कॉमिक्स द्वारा प्रस्तुत नॉर्स माइथोलॉजी पार्ट 4 स्टोरी एक्सप्लेन्ड. और इस इशू में हम नॉर्स माइथोलॉजी की दो स्टोरीज को कवर करेंगे, जिसमें की पहला पार्ट होगा द मास्टर बिल्डर का और दूसरा होगा लोकीज चिल्ड्रन का. इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे लोकी ने एसगार्ड के देवताओं को मास्टर बिल्डर की थ्रेट से आजाद करवाया, कौन थे लोकी के बच्चे और क्यों देवता ओडिन उनसे डर रहा था और कैसे किया ओडिन ने उन बच्चों का सामना. एवरीथिंग इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ इट टू नो मोर अबाउट द स्टोरी लाइन ऑफ नॉर्स माइथोलॉजी. अन्य रोमांचक कॉमिक बुक स्टोरीज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो. तो द मास्टर बिल्डर स्टोरी के पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बिल्डर अपने इनाम को जीतने के लिए पूर्ण कोशिश कर रहा होता है. वह खुद से ही कहता है कि कल गर्मियों का पहला दिन शुरू हो जाएगा, मैं अपने इस दीवार को बनाने के काम को खत्म कर दूंगा और अपनी इनामी चीजों को लेने के बाद एसगार्ड को छोड़ दूंगा. वह कहता है कि मुझे अब बस और 20 ब्लॉक्स चाहिए और काम खत्म हो जाएगा. इसके बाद वह अपने घोड़े स्वादिल फेरी को बुलाता है और खुद आकाश की ओर देखने लग जाता है. वह सूर्य को देखकर कहता है कि अब दिन ढल रहा है और चांद भी स्वर्ग की ओर चल दिया है और जल्दी ही ये दोनों मेरे होंगे और इसी के साथ सुंदर फ्रेया भी, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है. और फिर वह सोचता है कि मगर मुझे अपनी जीत को तब तक नहीं मनाना चाहिए जब तक कि ये सब चीजें मेरे हाथों में नहीं आ जाती हैं. मगर फिर भी अब बस और 20 ब्लॉक्स चाहिए मेरी जीत के लिए. और इसके बाद वह बिल्डर एक बार फिर से स्वादिल फेरी को बुलाता है और वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसने आज तक स्वादिल फेरी को दूसरी बार आवाज नहीं लगाई है, क्योंकि वह पहली में ही उसके पास आ जाता है. तो आज ऐसा क्या हुआ है? बिल्डर को चारागाह में घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई देती है और वह आवाज एक घोड़े की नहीं मगर दो की थी. बिल्डर खुद से ही कहता है कि मेरे पास घोड़ा एक है मगर आवाज मुझे दो की आ रही है. और फिर वह दूसरे घोड़े को देखकर हैरान रह जाता है. वह एक सुंदर चेस्टनट मेयर थी जिसके साथ की स्वादिल फेरी टहल रहा था. स्वादिल फेरी और वह मेयर ढलते दिन की क्रीमी गोल्डन रोशनी में चारागाह में दौड़ रहे थे, मगर फिर अचानक वह चेस्टनट मेयर रुक जाती है और वह स्वादिल फेरी को इग्नोर करने लग जाती है. स्वादिल फेरी उस मेयर की ओर जाता है और इसी में बिल्डर अपने घोड़े को फिर से पुकारने लग जाता है, मगर चेस्टनट मेयर के प्यार में पागल स्वादिल फेरी अपने मालिक की बात नहीं सुनता है, जिससे कि बिल्डर गुस्सा हो जाता है और वह अपने घोड़े की ओर भागता है उसे पकड़ने के लिए, मगर घोड़े वहां से चल देते हैं. स्वादिल फेरी चेस्टनट मेयर के पीछे जाने लगता है और देखते ही देखते वह दोनों जंगल में कहीं गायब हो जाते हैं. बिल्डर इससे काफी गुस्सा हो जाता है. वह जंगल के बाहर खड़ा उनका इंतजार करता है, मगर स्वादिल फेरी वापस नहीं आया. बिल्डर घोड़े को कोसता हुआ वहां से वापस आ जाता है और वह स्टोन बोट को खुद ही खींचकर माउंटेन क्वेरी की ओर चल देता है. मगर जब बिल्डर ब्लॉक्स को लेकर वापस एसगार्ड में आता है तो तब तक सूरज आसमान में चमक रहा होता है. बिल्डर ब्लॉक्स के भार से थका होता है और तभी गॉडेस फ्रेया उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम अपने साथ सिर्फ 10 ब्लॉक्स को ही लेकर आए हो और तुम्हें उस दीवार को खत्म करने के लिए दुगने ब्लॉक्स की जरूरत है. और ये भी याद रखना कि थॉर भी जल्द ही ईस्ट की ओर से वापिस आ रहा है. जब बिल्डर ब्लॉक्स को अपनी जगह पर रख रहा होता है तो अन्य देवता उसे तंग करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इस दीवार को खत्म कर दिया तो तुम सूरज को जीत पाओगे.
क्या तुम्हें लगता है कि तुम सन को सच में जीत पाओगे या फिर मून को? वह कहते हैं कि कितनी बुरी बात है कि तुम्हारा घोड़ा भी तुम्हारे साथ नहीं। देवताओं को हंसते हुए और उनकी बातों से तंग आकर बिल्डर गुस्से में लाल पीला हो जाता है और वह ओडिन से कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मगर ओडिन कहता है कि उतना नहीं जितना कि तुमने हमारे साथ किया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर हमें पहले पता होता कि तुम एक जाइंट हो तो हम तुम्हें ये दीवार बनाने देते? इस बात को सुनकर जाइंट और भी गुस्सा हो जाता है और वह ब्लॉक को उठाकर पटक देता है। फिर वह ओडिन के सामने अपने विशालकाय रूप में आ जाता है। वह जाइंट कहता है कि मैं एक माउंटेन जाइंट हूं और तुम सभी देवता और कुछ नहीं मगर नीच हो जिन्होंने ओथ को ब्रेक किया है। अगर मेरा घोड़ा अब मेरे साथ होता तो मैं सन, मून और फ्रेया को लेकर तुम सभी को अंधेरे और ठंड में छोड़कर चल देता। जाइंट की बात सुन ओडिन उससे कहता है कि किसी भी ओथ को तोड़ा नहीं गया है मगर अब कोई भी ओथ तुम्हें हमसे बचा नहीं पाएगी। माउंटेन जाइंट चिल्लाता हुआ देवताओं को खत्म करने के लिए उनकी ओर बढ़ने लग जाता है। देवता माउंटेन जाइंट को उनकी ओर आता देख भागने लग जाते हैं मगर तभी थॉर वहां पर आ जाता है। वह अपने माइटी हैमर को जोर से माउंटेन जाइंट की ओर फेंकता है। माउंटेन जाइंट थॉर के माइटी हैमर को उसकी ओर तेजी से आता हुआ देख पा रहा था और तभी एक जोर का धमाका होता है और फिर माउंटेन जाइंट को उसके बाद सब कुछ दिखना बंद हो गया सदा के लिए। थॉर माउंटेन जाइंट को मार देता है और वह देवताओं से कहता है कि मैं आप सभी की सराहना करता हूं कि आप लोगों ने मेरी वापसी में मुझे एंटरटेन करने के लिए ये सब प्रबंध कर रखे थे। इसके बाद बचती हुई दीवार को देवताओं ने खुद खत्म किया। हालांकि आखिरी 10 ब्लॉक्स उतनी अच्छी तरह से फिट नहीं हुए थे जैसे कि मास्टर बिल्डर ने लगाए थे। और इस सभी में सबसे अजीब बात यह है कि लोकी उस समय वहां पर नहीं था जब सभी देवताओं ने उसकी प्रशंसा करनी थी कि कैसे उसने स्वादिल फेरी को लालच दिया और मास्टर बिल्डर को काम खत्म करने से रोका। कोई भी नहीं जानता था कि वह कहां पर था। लोकी उस साल के एक लंबे समय तक एसगार्ड से दूर रहा और जब वह वापस आया तो उसके साथ एक खूबसूरत घोड़े का बच्चा था। उस घोड़े की 4 की जगह पर 8 टांगे थी और वह लोकी को हर जगह पर फॉलो कर रहा था जहां पर भी वह जाता था और वह लोकी को ऐसे सूंघ और चाट रहा था जैसे कि लोकी उसकी माँ हो। और यह सच भी था क्योंकि स्वादिल फेरी को लुभाने वाली वह ब्यूटीफुल चेस्टनट मेयर असल में लोकी ही था। वह बच्चा जल्द ही एक व्यस्क घोड़े में बदल गया और उसे स्लिपनियर का नाम दिया गया और वह अब तक का सबसे तेज और स्ट्रॉन्ग घोड़ा था। लोकी ने स्लिपनियर को ओडिन को तोहफे के रूप में दे दिया और कितने ही लोगों ने ओडिन के उस घोड़े की प्रशंसा भी की मगर कोई भी इतना बहादुर नहीं था जो कि लोकी की उपस्थिति में उस घोड़े की पेरेंटेज की बात कर पाता। क्योंकि लोकी अगर ये सुन लेता कि कोई उसकी इस बात को कर रहा है कि कैसे लोकी ने अपने बुरे आइडिया के कारण मुसीबत में फंसे हुए देवताओं को उस मुश्किल समय से बाहर निकाला था तो लोकी उस व्यक्ति की जिंदगी को नरक बना सकता था। और ये थी वह सारी स्टोरी कि कैसे देवताओं ने उस विशाल दीवार को बनाया जिसने कि एसगार्ड की लंबे समय तक रक्षा की थी। और चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की ओर, द चिल्ड्रन ऑफ लोकी। लोकी एक हैंडसम देवता था और वह इस बात को जानता था। लोग उसे चाहना चाहते थे मगर वह एक सेल्फ सेंटर्ड शरारती और बुरा देवता था। लोकी ने सीजिन नामक एक औरत से शादी की जो कि बेहद सुंदर और खुश थी जब लोकी ने उसके साथ शादी की थी मगर कुछ समय बाद वह उदास रहने लगी। सीजिन ने लोकी के 2 बेटों को जन्म दिया। एक का नाम था नर्फी जो कि एक अच्छा बच्चा था मगर वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था और दूसरा था वाली जो कि एक आज्ञाकारी और संयमी लड़का था। अक्सर ऐसा होता था कि लोकी अपने परिवार को छोड़ एक लंबे समय के लिए कहीं दूर चला जाता था
और सीजिन ये महसूस कर रही थी कि कोई बुरी खबर उसके घर पर दस्तक देने वाली थी। तीन बार लोकी अपने परिवार से दूर गया और तीनों बार ही वह वापिस लौट कर भी आया, मगर हर समय जब वह वापिस आता तो वह एक दोषी की तरह लगता था, मगर हर समय वह मन ही मन खुश भी होता था। तीसरी बार जब लोकी एसगार्ड में आया तो ओडिन ने उसे मिलने के लिए बुलाया। ओडिन ने लोकी से कहा कि मुझे एक स्वप्न दिखा है कि तुम्हारे बच्चे हैं, जिस पे लोकी कहता है कि हाँ नरफी और वाली। ओडिन कहता है कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तुम द फ्रॉस्ट जायंट्स के लैंड में द जायंटिस एंग्राबोदा के साथ रातें बिताने के लिए जाते हो, उसने तुम्हारे तीन बच्चों को जन्म दिया है। मैंने अपनी अंतर आंखों से देखा है कि आने वाले समय में वह तीनों बच्चे देवताओं के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। मगर लोकी ओडिन की इस बात को जरूरी नहीं लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद ओडिन अन्य देवताओं को अपने पास बुलाता है, जिनके की लीडर होते हैं थॉर और टायर। ओडिन देवताओं से कहता है कि तुम सभी जोटनहाइम के बीच सफर के लिए जा रहे हो, जिसे कि जायंट लैंड कहा जाता है, और वहां से तुम लोकी के बच्चों को एसगार्ड में लाओ, और फिर सभी देवता द लैंड ऑफ जायंट्स में जायंटिस एंग्राबोदा के घर की ओर चल देते हैं। एंग्राबोदा उन देवताओं से मिलना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह अपने बच्चों को छोड़कर वहां से भाग जाती है। देवता लोकी और एंग्राबोदा के बच्चों को देखकर हैरान थे, मगर वह हैरानी उन्हें रोक ना पाई। उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया, उन्हें बांध लिया और फिर उन्हें वहां से लेकर चल दिए। सबसे बड़े बच्चे को उन्होंने एक पेड़ के तने के साथ बांध लिया, दूसरे बच्चे के मुख को उन्होंने रस्सी के साथ बांध दिया, और तीसरा बच्चा एक लड़की थी। जो देवता उस बच्ची के राइट साइड में थे वह उस बच्ची की सुंदरता को देख पा रहे थे, मगर जो उसकी लेफ्ट में थे वह उसके बुरे और घिनौने रूप को देख पा रहे थे, क्योंकि वह बच्ची आधी इंसान और आधी लाश थी। द लैंड ऑफ जायंट्स के तीसरे दिन के सफर के दौरान थॉर टायर से कहता है कि क्या तुमने एक बात को नोटिस किया है, जायंट्स हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे कि वह भी चाहते हैं कि हम लोकी के बच्चों को जोटनहाइम से दूर ले जाएं। टायर कहता है कि ये एक बेवकूफी वाली बात है, मगर जब टायर ये बात कह रहा था तब ये कहते हुए वह कांप गया। फिर वह सभी एसगार्ड वापस आ जाते हैं और वह ओडिन के हॉल में आते हैं। वह लोकी के बच्चों को ओडिन के सामने लाते हैं। टायर लोकी के बच्चों का परिचय देते हुए कहता है कि ये है जोरमनगैंडार, जो कि एक सर्पेंट है। वह कहता है कि ये कुछ ही दिनों में कितने ही फीट लंबा हो गया है, जिसपे थॉर कहता है कि इससे थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये अपने मुंह से काले जलते हुए जहर को उगलता है। ओडिन जोरमनगैंडार को देखते हुए कहता है कि ये एक बच्चा है और हम इसे वहां पर भेजेंगे यहां पर ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ओडिन ने उस सर्पेंट को उस समुद्र में छोड़ दिया जो कि मिडगार्ड को घेरे हुए था। ओडिन उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह होराइजन में कहीं गुम ना हो गया और उसी में भटकने लगा। ओडिन खुद से कहता है कि मैंने वैसे ही किया है जैसा कि मेरे स्वप्न ने मुझे करने को बोला है, मगर क्या मैंने ये करके सही किया है। वह सर्पेंट दुनिया के समुद्र के नीचे बड़ा होता रहेगा और एक दिन पूरी धरती को घेर लेगा। जोरमनगैंडार द मिडगार्ड सर्पेंट। फिर ओडिन ग्रेट हॉल में फिर से आया। उसने लोकी की बच्ची से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। बच्ची ने कहा कि ऑल फादर, अगर आपको पसंद आए तो वह मुझे हेल के नाम से पुकारते। ओडिन ने हेल से पूछा कि तुम जिंदा हो या फिर एक लाश हो। हेल ने ओडिन को बताया कि मैं सिर्फ मैं ही हूं और मुझे मरे हुए सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वह मुझसे इज्जत से बात करते हैं, जिंदा लोग मुझे और निगाहों से देखते हैं। ओडिन ने अपने स्वप्न को याद किया और फिर उसने बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि ये बच्ची गहरी अंधेरी दुनिया पर राज करेगी। योद्धा जो कि युद्ध में मारे जाएंगे वह सदा ही हमारे पास यहाँ पर वलहाला में आएंगे।
मगर वो जो अयोग्य तरीकों जैसे बीमारी या ओल्ड एज के कारण मरेंगे, वह हेल की दुनिया में जाएंगे और उसके दोस्त बनेंगे। ओडिन की इस बात को सुनकर ये पहली बार था कि हेल मुस्कुराई। ओडिन हेल को अंधेरी दुनिया के एक विशाल हॉल में ले गया। उसने हेल को वहां छोड़ दिया और उसे देखता रहा जब हेल अपनी चीजों का नाम रख रही थी। हेल के एक हाथ में एक बोल था जिसे कि उसने हंगर का नाम दिया और उसके दूसरे हाथ में एक नाइफ थी जिसे कि उसने फैमिन यानी अकाल का नाम दिया। हेल ने अपने बेड को सिक बेड का नाम दिया था। और ये थे लोकी के दो बच्चे, जिनमें से एक समुद्र में घूम रहा था और दूसरी धरती के नीचे राज कर रही थी। मगर तीसरे बच्चे का क्या हुआ, ये हम जानेंगे नॉर्स माइथोलॉजी के अगले इशू में। और ये भी देखेंगे कि लोकी के ये अजीब बच्चे, जिनको कि देवताओं के द्वारा खोजा गया था और जिनको कि फोर्सफुली उनकी निराशाजनक जिंदगियों को जीना पड़ा, कैसे ये सब एक महान कहानी का हिस्सा बनेंगे जो कि धोखे और नियति से भरी हुई है। फिर हम देखेंगे कि क्यों थॉर गॉडेस फ्रेया के पास जाता है उसकी हेल्प मांगने के लिए, क्यों वह उसे एक अनयूजुअल वेडिंग का हिस्सा बनने के लिए कहता है जो कि असल में लोकी की ही गलती थी। वी विल सी दैट ऑल इन द नेक्स्ट इशू ऑफ नॉर्स माइथोलॉजी। अंटिल देन वॉच माय अदर वीडियोस, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, आई सेफ, स्टे ब्लेस्ड।